ऐसा मेयर चुने जो नॉलेज भी रखता हो, जो क्षमता भी रखता हो, जिसमें प्रशासनिक कैपेसिटी हो, जो शहर के स्वरूप को बदलने का काम कर सके। एक ईमानदाराना पहल यहाँ करके शहर को के विकास को, शहर के स्वरूप को, शहर की जो हमारी कल्चर है उसे जिंदा रखने का काम कर सके ना चाहिए। विकास के नाम पर जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर गलत है। ऐसा विकास किस काम का रहेगा जिस पर्यावरण में रहने लायक हम ना ले, जहाँ सांस ना ले सके। ये पेड़ों पे झूले होते थे पहले, इस टाइम में अब कहाँ पेड़ों पे झूले होते हैं। अब तो देखो ये आर्टिफिशियल झूले। हाँ जी, कोई भी व्यक्ति मेयर बने लेकिन सक्षम मेयर बनना चाहिए जो शहर की दिशा को बदलने का काम कर सके, जो शहर के स्वरूप को बदलने का काम कर सके। पार्टी का निर्णय है, जो निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। दोस्तों इस समय मैं रुड़की के आकाशदीप एंड कॉलोनी में हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीज महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जो महिलाएं बच्चे झूला झूल रहे हैं, वो यहाँ पर जो क्रेन खड़ी है उसको झूला बनाया गया है, उस पर झूला झूल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर किया गया है, ये रुड़की नगर निगम के जो पार्षद विवेक चौधरी के द्वारा ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम कॉलोनी में स्थित पार्क में रखवाया गया है। आपको बता दूं क्रेन का झूला बनाकर पौधे लगाने और पुराने वृक्षों को बचाने का संदेश भी इस कार्यक्रम में दिया गया। साथ ही यहाँ पर कॉलोनी सहित कई अन्य क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से कार्यक्रम में जो राधा कृष्ण की झांकियाँ हैं उनकी भी बहुत सुंदर यहाँ पर झांकियाँ प्रस्तुत की गई। आइए जानते हैं क्या कहा क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन्होंने और साथ ही क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने। और मतलब ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन पहनना, ग्रीन पेड़ लगाना, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और पेड़ को कुछ हार्म ना हो इसलिए ये भी अलग लगा है, मतलब क्रेन के थ्रू लगा है जिससे कि हमारे पेड़ और इसको ग्रीनरी को कोई हार्म ना हो। और ये जो हरियाली तीज होती है ये माता गौरी और शिव जी की पूजा की वजह से होती है। और ये जो मतलब मेन कारण ये है कि हरियाली तीज है और हरियाली ही खत्म होती जा रही है ना, तो फिर हरियाली तीज का तो सिर्फ नाम रह गया, हरियाली तो रही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कॉलोनी में काफी है बाकी और पूरी सिटी में। बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हरियाली के लिए तो हमने यही है कि सभी लोग, अगर ज्यादा नहीं तो एक पेड़ तो हर सबको लगाना चाहिए, एक पेड़ है ना। प्रतिवर्ष की बात ही हम लोगों ने तीज महोत्सव इस बार भी मनाया है। 2019 में मैं पार्षद बना था तब से मैंने पहल की थी, पूरे वार्ड की महिलाओं को और आसपास से सभी हम मातृशक्ति को बुलाते हैं और सामूहिक रूप से तीज मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं निश्चित तौर पर वो जिंदा रहनी चाहिए और वो तभी जिंदा रह पाएंगे जब हम लोग इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे, तब हम इस तरह के प्रयास करेंगे। पिछली बार एक विषय उठा था, कहने लगे साहब झूला अगर नहीं है तो सावन और तीज का आनंद क्या है। तो तभी मैंने एक संकल्प लिया था कि अगली बार, मैंने मातृशक्ति से वादा भी किया था कि अगली बार आपको बिल्कुल उसी तरह का आनंद दिलाएंगे जिस तरह से नेचुरल झूलों में होता, तो जो बड़े बड़े वृक्षों पर झूले डालते थे। लेकिन समस्या रही कि पेड़ कहीं इस तरह का नहीं मिल पाया सामूहिक रूप से जहाँ कर सकें। फिर मेरे मन में एक विचार आया, हमने एक हाइड्रा मशीन मंगाई और उसे 50 फीट ऊपर ले जा कर के हमने झूला यहाँ एक बनाया है, तो निश्चित तौर पर हमारी बहनों को आनंद तो आएगा, वो अपना त्यौहार अच्छे से मना रही हैं, लेकिन एक संदेश भी है। मैं माताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक वृक्ष माँ के नाम का जो संकल्प लिया है उसे आप भी पूरा करें और उसमें सहभागिता दें, क्योंकि मातृशक्ति जो ठान लेती है वो चीज़ कभी अधूरी नहीं रहती। महसूस करने की चीज़ है कि पर्यावरण जो हमने पेड़ काटे हैं उसका कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पर्यावरण असंतुलन हो ही रहा है, गर्मी किस तरह से बढ़ रही है, और जो हम पारंपरिक आनंद थे, जो झूले डालते थे, जो वृक्षों के उपयोग थे, वो सब खत्म हो गए हैं। तो इस हाइड्रा के माध्यम से मैंने ये संदेश देने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि हम लोग वृक्ष लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे और पुरानी स्थिति पर हम कायम होंगे। लगातार आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि सीट ओबीसी होने के संकेत मिल रहे हैं, उसको लेकर देखिएगा। एक सामान्य प्रक्रिया है, ये शासन को और सरकार को निर्धारित करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ फाइनल कर ली है कि 9 नगर निगम उत्तराखंड में हैं, उनमें से 2 रिजर्व होने हैं, क्योंकि रुड़की सेकंड टॉप नंबर पर है, तो रुड़की की संभावनाएं हैं कि इस बार शायद ओबीसी का आरक्षण हो, लेकिन ये समय पर ही जाकर के पता चलता है। रही बात तैयारियों की, देखिएगा मेरा शुरू से प्रयास रहा, पार्षद के रूप में भी मैंने जनता के मुद्दे उठाए,
मैं कभी अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहा। मेरा प्रयास रहा कि शहर का सामूहिक विकास हो, और निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूँ कि जितने संसाधन सरकार ने हमें दिए, राज्य सरकार निश्चित तौर पर बहुत पैसा देती है सरकार को, हमारे निकाय को, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति मेयर बने, लेकिन सक्षम मेयर बनना चाहिए जो शहर की दिशा को बदलने का काम कर सके, जो शहर के स्वरूप को बदलने का काम कर सके। पार्टी का निर्णय है, जो निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। देखिएगा, मैंने बताया ये तो पार्टी का निर्णय, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वो सब निर्धारित करती है, और मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूँ, तो पार्टी का निर्देश मेरे लिए सर्वमान्य है। बाकी मेरा मानना यह है कि सक्षम मेयर चुने, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा मेयर चुने जो नॉलेज भी रखता हो, जो क्षमता भी रखता हो, जिसमें प्रशासनिक कैपेसिटी हो, जो शहर के स्वरूप को बदलने का काम कर सके, एक ईमानदाराना पहल यहाँ करके शहर को के विकास को, शहर के स्वरूप को, शहर की जो हमारी कल्चर है उसे जिंदा रखने का काम कर सके। योगी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पहल की थी और अच्छे काम के लिए उन्होंने पहल की थी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट वहीं से समझ में आया कि अब सवाल ये पैदा होता कि हवा में झूला किस तरह से लाया जाए। तो निश्चित तौर पर हाइड्रा उसका एक विकल्प था और अनुकरण मैंने किया है। मेरा मानना यह है कि पेड़ों का अवैध कटान तो नहीं होना चाहिए। विकास के नाम पर जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर गलत है। ऐसा विकास किस काम का रहेगा जिस पर्यावरण में रहने लायक हम न लें, जहां सांस ना ले सकें। ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, विकास सब यही रखा रह जाएगा। तो मेरी अपील यही है, अपने वरिष्ठ नेताओं से भी अपील है, सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरण को बचाने का काम करें। विकास के नाम पर जो पेड़ कटता है उसकी जगह दो पेड़ अगर आज हम लगाएंगे तभी ये विकास सार्थक होगा, अन्यथा ये विनाशकारी साबित होगा।